अगली खबर में बात करते हैं विदिशा की, जहां जब रक्षा की भजक बन जाए तो किसी और पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। दरअसल विदिशा के त्योंदा क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी ने पुलिसकर्मी पर मारपीट और दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि आरक्षक गोविंद गौड़ ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ रेप किया है। एसपी ने मामले को संज्ञान में लेकर आरक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि त्योंदा क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी, जिसके चेहरे पर जबरदस्त मारपीट के निशान हैं, उसने सिविल लाइन थाना पुलिस के एक पुलिसकर्मी पर शादी का झांसा देकर दुराचार करने और इसके बाद थाने में रिपोर्ट करने को लेकर उसके साथ उसी पुलिसकर्मी ने मारपीट की है। नाबालिग किशोरी को अपनी मोटर बाइक पर लाने वाले व्यक्ति का भी कहना है कि उसके साथ मारपीट और अन्य घटना हुई है। उसका कहना है कि इस पुलिसकर्मी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा टीआई सिविल योगेंद्र सिंह दांगी ने भी मामला दर्ज करने की बात कही है। नाबालिग किशोरी ने आरक्षक गोविंद गौड़ पर आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मी ने उसे एसपी ऑफिस जाने से रोका और विदिशा से आगे एक ढाबे पर ले जाकर उसके साथ मारपीट की। वहां मौजूद दो युवकों ने मारपीट को रोका और किशोरी को सुरक्षित लेकर आए। किशोरी के चेहरे और शरीर पर कई जगह चोटों के निशान स्पष्ट देखे जा सकते हैं। बाद में सिविल लाइन थाने में मामले की शिकायत की। सिविल लाइन थाना टीआई योगेंद्र सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए किशोरी की शिकायत पर आरक्षक के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एसपी शुक्ला द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही आगे की कार्यवाही की जा रही है।